स्वागत आप सबका सेकेंड टी ट्वेंटी मैच ऑफ द ट्राई सीरीज के अंदर। मैच है न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच में, जो खेला जाएगा हैगली ओवल क्रिश्चर्च पे। मैच टाइमिंग सुबह के 11:40। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पर पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टी20 का मैच आज ही के दिन खेला गया था, तारीख थी 7 अक्टूबर। मैच था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान ये देना है कि जो पिच यहाँ पे रहेगी ना, हैगली ओवल क्राइस्टचर्च की, ये यूज्ड पिच रहेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, कमेंटेटर्स ने कहा था जो कल का मैच होगा, जिसको अभी अपन कवर कर रहे हैं, वो उसी पिच के ऊपर खेला जाएगा जिस पिच के ऊपर आज मैच हुआ था। तो यूज पिच यहाँ पे रहेगी। आमतौर पर ना हैगली ओवल क्राइस्टचर्च की पिच के ऊपर ग्रास होती है, पर जो आज मैच हुआ था उस पिच के ऊपर ग्रास कम थी। और यहाँ पे इस पूरी सीरीज के अंदर जो ट्राई सीरीज हो रही है ना, ये पूरी सीरीज के अंदर यहाँ पे दो पिचेस का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा था। और जो दूसरी पिच है ना, उसके ऊपर ज्यादा ग्रास मौजूद है एज कम्पेयर टू द जिस पिच पे आज मैच हुआ था। अब देखो स्वर्णी के ऊपर पहली पारी के अंदर किस तरह से स्कोरिंग पैटर्न बना है। तो अब देखो पहली पारी के अंदर यहाँ पे किस तरह से रन बनाए, 167 बना 5 विकेट गवा के। ये आज ही बना था 7 अक्टूबर को, पाकिस्तान ने बनाया था। उससे पहले 173 बना था 6 विकेट गवा के, 154 बना 10 विकेट गवा के, 173 बना 6 विकेट गवा के, 172 बना था 8 विकेट गवा के, 177 बना 7 विकेट गवा के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमेशा 170 के आसपास स्कोर बनता है। आमतौर पर 170 to 180 यहाँ पे स्कोर बनता है। आप खुद देखो 173, 172, 177, 173, ये वाला जो आज का मैच हुआ था ना, वो भी लगभग 170 के अंदर ही चला गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से स्कोरिंग पैटर्न बनता है। और पहली पारी के अंदर औसतन 5 से 6 विकेट यहाँ पे गिरते ही गिरते हैं। इस वनडे के ऊपर न्यूजीलैंड ने आज तक 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है। वहीं पाकिस्तान की बात करते हैं, एकमात्र मैच इन्होंने आज खेला था, वहाँ पे लोगों ने बांग्लादेश को हराया था। ठीक है, तो 1 मैच खेली है पाकिस्तान, यहाँ पे 1 मैच जीती है। मेरे पास कुछ फोटोज है पिच वगैरह की, बाउंड्री डायमेंशंस की, स्टेडियम कैसा दिखता है, आपको लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिच की फोटो, ये मार्च महीने की पिच की फोटो, मेरे को आज के मैच की पिच की फोटो नहीं मिली थी, ना ट्विटर पे मिली, ना जब मैच आ रहा था तब वहाँ पे वो लोगों ने पिच की फोटो दिखाई भी नहीं थी। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पे पिच दिखती है। थोड़ी कम ग्रास थी पिच के ऊपर, वही मैं आपसे कहूँगा, इस तरह की पिच थी इस मैच के अंदर, आपको दिख रही है साइड वाली पिच, इस तरह की यहाँ पे पिच थी, कम ग्रास थी, और मेरे हिसाब से बॉल बहुत अच्छे से बैट पे आ रही थी। टर्न देखने को मिला था, अगर आपने शादाब खान का स्पेल देखा रहेगा, 2-3 बॉल उन्होंने लिटिन दास को डाली थी, बॉल पड़ने के बाद ना ऐसे घूमी थी, तो यहाँ पे स्पिन भी हो रहा था। ठीक है, बाउंड्री डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं, तो सामने की बाउंड्री यहाँ पे थोड़ी लंबी होती है, 72 मीटर होती है। जो स्क्वायर बाउंड्रीज होती है वो 64 मीटर होती है, तो स्क्वायर के ऊपर छक्का मारना ईजी होता है एज कम्पेयर टू द सामने। ठीक है, तो ये स्टेडियम ऐसा दिखता है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, हैगली ओवल क्राइस्टचर्च, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। चलते हैं फिर से स्टैट्स की तरफ। इस वनडे के ऊपर बैट फर्स्ट फॉर्मूला है, लास्ट 11 मैचेस के अंदर यहाँ पे, जो लास्ट 11 T20 मैच में, उसके अंदर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 7 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है मात्र 4 मैच जीती है। तो टॉस जीतो, ज़्यादातर टीम चेस करना पसंद करती है वैसे, पर आप यहाँ पे बैट फर्स्ट भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, गलत काम नहीं है। यहाँ पे लास्ट 11 मैचेस में पेसर्स ने 83 विकेट निकाला है, पहली पारी में 42 है, दूसरी पारी के अंदर 41 है। मैंने आपसे पिछड़ी में भी चर्चा करी थी कि यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर विकेट्स गिरते हैं, आज का मैच देख लो, वहाँ पे भी दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने विकेट निकाला था। ज़्यादा फर्क होता नहीं है पहली पारी और दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे पेसर्स के द्वारा। राइट आर्म पेसर 67 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर का 16 विकेट है। बात करते हैं यहाँ पे स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने लास्ट 11 मैच के अंदर यहाँ पे 44 विकेट निकाले हैं, पहली पारी के अंदर यहाँ पे कितना है, 25 विकेट है स्पिनर्स के द्वारा, दूसरी पारी के अंदर 20 विकेट्स हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्पिनर्स किस तरह से विकेट निकालते हैं। ऑफ स्पिनर्स के यहाँ पे 12 विकेट है, लेग स्पिनर्स के यहाँ पे 14 विकेट है, लेफ्ट आर्म चैनमैन का यहाँ पे 9 विकेट है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 15 विकेट है। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे किस टाइप के स्पिनर्स विकेट निकालते हैं। यहाँ पे बस एक माइनर करेक्शन है कि यहाँ पे 24 विकेट होगा पहली पारी के अंदर, शायद मैंने पहले 25 लिखा हुआ था। और देखो जो आज मैच हुआ था 7 अक्टूबर को बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, उस मैच के अंदर 8 विकेट यहाँ पे पेसर ने निकाला था और 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। चलते हैं यहाँ पे इसकी तरफ, न्यूज़ की तरफ। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही न्यूजीलैंड के अंदर, डेरिल मिचेल रूल आउट हो चुके हैं, इनके जो राइट हैंड है ना, उनकी रिंग फिंगर के यहाँ पे बॉल लग गई थी प्रैक्टिस करते हुए लिंकन के अंदर, तो ये पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, इवन वर्ल्ड कप के लिए डाउटफुल है। बहुत अच्छा बंदा है ये डेरिल मिचेल, मिचेल सैटनर भी अनअवेलेबल है। रीज़न क्या है, ये अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाले हैं या दे चुके हैं ये भी पता नहीं मेरे को, लेकिन जन्म बच्चे का सिलसिला है तो ये अनअवेलेबल है। ब्लड टिकनर रिप्लेस करेंगे इनको,
और वर्ल्ड कप के अंदर जो चेंजेस थे आप देख सकते हो, पहले काले जिमिसन थे, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के अंदर टॉड ऑस्टले थे, टिम शेफर्ड थे, तो वो चेंजेस हुए हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, दोनों टीम्स आपस में 25 मैच खेला हुआ है, न्यूजीलैंड 10 जीती है और यहाँ पे पाकिस्तान 15 जीती है, दोनों टीम्स के बीच में टक्कर का मैच होता है, तो एक हाईली थ्रिलिंग मैच आपको फिर से देखने को मिलेगा। लाइनअप्स की बात करते हैं, मार्टिन गप्टिल ओपन करेंगे यहाँ पे, भाई क्या बंदा, ये कितने वर्ल्ड कप खेल चुका है, कितनी सारी इसने T20 लीग्स खेली हुई है, कितना T20 खेला बंदे ने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। डेवन कॉनवैंग इनके साथ स्टार प्लेयर है, कीपिंग भी यही करेंगे, इनके आगे मैं कीपर लगा देता हूँ, फिर आप कहोगे भाई कि आप कीपिंग तो लिखे ही नहीं यहाँ पे, कीपिंग कौन करेगा, इवन ग्लेन फ्लिप्स कीपिंग कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन यहाँ पे ग्लव्स पकड़ता है, मोस्टली कॉनवे पकड़ेंगे। केन विलियमसन कप्तान साहब, ग्लेन फ्लिप्स, माइकल ब्रेसवेल, नीशम सोडी, लुकी फर्गसन, टिम साउदी, एडम लिन, ट्रेंट बोल्ट आपको खेलते देखेंगे। बेंच के ऊपर जाएंगे ब्लैट टिकनर, मार्क चैपमैन, फिल लैनन, अभी तक डरेल मिचेल का रिप्लेसमेंट प्लेयर नहीं बताया गया। पाकिस्तान की बात करते हैं, बाबर आजम कप्तान साहब ओपन करेंगे रिजवान के साथ, शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शदाब खान, ये भी इंजरी से जूझ रहे हैं, यहाँ पे खुद कॉमेंटेटर ने कहा था मोहम्मद नवाज, शहीन अफरीदी, हैरी श्रॉफ, नशीम शाह, इवन मोहम्मद वसीम जूनियर से नवाजानी को मौका मिल सकता है, शहीन अफरीदी और नशीम शाह दोनों थोड़े से इंजर्ड थे आपको पता रहेगा। तो बात करते हैं जब दोनों टीम सामना सामना करती है तो क्या होता है, मार्टिन गप्टिल 19 मैच खेला उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, 526 रन्स है, 29 की औसत है, बैट फर्स्ट 8 मैच के अंदर 244 रन्स, 30 की औसत है, चेस के ऊपर 11 मैच के अंदर 282 रन्स, 28 की औसत है, प्लेयर खास है मार्टिन गप्टिल, बस बात हुआ है फॉर्म में रहना, बंदा बहुत तगड़ा मारता है, ये तोड़ता है, अफरीदी आ गए तो दिक्कत हो सकती है सामने शहीन अफरीदी पर, देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर। डेवन कॉनवे का यहाँ पे अगेंस्ट पाकिस्तान 4 मैच के अंदर 95 रन है, बैट फर्स्ट 63, 27 चेस के ऊपर 5 है, तो 4 मैच के लिए उन्होंने सिर्फ 3 पारियों के अंदर बैट करा है वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। डेवन कॉनवे के बाद यहाँ पे आते हैं केन विलियमसन कप्तान साहब, 15 मैच खेले उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, 439 रन है, 34 की औसत है, बैट फर्स्ट 37, 33, 32, 17, 1025 है, चेस के ऊपर 72 नाबाद, 70 है, 60 है, 57 नाबाद, 15-11-9-0 चेस पे, भैया बंदा बहुत क्लास है, बैट फर्स्ट के अंदर तो एक भी इनका 40 प्लस स्कोर नहीं है, लेकिन चेस के ऊपर सोचो 4 बार 50 प्लस स्कोर्स है, बंदा कड़क है केन विलियमसन चेस के ऊपर। ग्लेन फ्लिप्स 9 मैच के अंदर 118 रन, 15 की औसत है अगेंस्ट पाकिस्तान T20I के अंदर, बैट फर्स्ट 31, 5, 13, चेस के ऊपर 26, 23, 12, 5, 3, ओवरऑल इनका T20 करियर बैट फर्स्ट 38, चेस के ऊपर 28 की औसत घट जाती है इनकी चेस करते हुए। डेल में चलते और अवेलेबल ही नहीं है, इनको मैं बाहर करना चाहूँगा यहाँ से। यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल अवेलेबल रहेंगे, मिडिल ऑर्डर में आपको दिखेंगे जिम्मेदारी संभालते हुए, इन्होंने वैसे इस साल 2022 के अंदर ना अलग ही कारने में करे हैं इस बंदे ने, 2022 के अंदर इसने डेब्यू करा T20 के अंदर, टेस्ट के अंदर, ODI के अंदर, भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये देखता ही नहीं है क्या हुआ था पास्ट के अंदर, ये आता है भाई साहब परफॉर्मेंस देखे जाता है। इस साल तो T20 के अंदर इसकी 14 मैच के अंदर 92 की औसत है और 450 रन है 14 मैच के अंदर, ये प्लेयर भाई खास है, ब्रेसवेल खरा सोना है कह सकते हो आप, जैसे कि अपना शार्दुल ठाकुर है ना गोल्डन आर्म, ये गोल्डन का भी भाई साहब डायमंड रखना है ब्रेसवेल, इस तरह का बंदा ये बॉल से पहले, मतलब इसने अपना T20 है तो ODI के अंदर पहला ओवर डाला था उसमें हैट्रिक निकाल दी भाई ने सीधी, अलग ही लेवल है भाई का ब्रेसवेल का। नीशम की बात करते हैं, 6 मैच के अंदर 5 विकेट, 31 रन है और अच्छे प्लेयर हैं ये, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 4 विकेट है, सिक्स बॉलर होंगे इस टीम के, इस स्टोरी का 11 मैच में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट 7 मैच के अंदर 5 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच के अंदर 3 विकेट है, 5 बार विकेटलेस अगेंस्ट पाकिस्तान, लुकी फर्गसन का हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट है बॉल फर्स्ट, टिम साउदी की बहुत ही बेहतर स्टैट्स है अगेंस्ट पाकिस्तान, 14 मैचों में 24 विकेट है, 4 बार तो विकेटलेस गए, तो आप सोचो उसने 14 मैच तो खेले पर 10 मैचों में विकेट्स निकाले हैं, बॉल फर्स्ट 10 मैच 18 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 6 विकेट है, एडम मिलिन 10 मैच में 15 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 8 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 7 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गए, ट्रेंट बोल्ट के थोड़े से स्टैट शॉकिंग है, और लास्ट टाइम भी इनका जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी साधारण सा स्पेल था अगेंस्ट पाकिस्तान, 7 मैच में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉल सेकंड 3 मैच में 2 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गए, फॉर्म बहुत अच्छा है ट्रेंट बोल्ट का फिलहाल, ब्लैट टिकनर भी हेड टू हेड खेला हुआ 1 विकेट था बॉल फर्स्ट, मार्क चैपमैन का 2 मैच में 36 रन है, स्टार्टिंग और ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, एडम मिलन, ज्यादातर मतलब फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलन, टिम साउदी भी कभी कभी आ जाता है। बाबर आजम की बात करते हैं, जब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं तो उन्होंने 7 मैच खेला, 244 रन, 41 की औसत है, बैट फर्स्ट 79, 15 नॉट आउट, 41, 18, 7, चेस के ऊपर 49 है, 40 और 9 है ना कि 49, आप समझोगे यार 49 बोल रहे भाई, 40 और 9 है रिजवान, ठीक है, 5 मैच के अंदर 165 रन है, जो इनके टर्निंग पॉइंट आया था करियर का वो उसी टीम के खिलाफ आया था, इन्होंने जो पहली बार ओपनिंग करी थी ना अच्छे तरीके से रिजवान ने, ये भाई साहब न्यूजीलैंड के खिलाफ ही करी थी,
2020 के अंदर दिसंबर महीना था, बैट फर्स्ट 22-17, चेस के ऊपर 89-33-4 है, विकेट जमान 6 मैच के अंदर 145 रन 24 के औसत है, बैट फर्स्ट 50-46-11-3, चेस के ऊपर 24-11 है, अच्छे प्लेयर है लेकिन लास्ट मैच में जगह नहीं मिली थी, अभी भी आई थिंक इंजर्ड ही हैं। शान मसूद हेड टू हेड नहीं खेला है, प्लेयर बहुत कड़क है, लास्ट मैच के अंदर इसका 8 बॉल के अंदर 1 रन था, सही सुन रहे हो आप, 8 बॉल 1 रन, फिनिश इसने अच्छा किया था, बाद में अटैकिंग शॉट्स खेला थोड़े बहुत और थोड़ा सा क्रीज में झटपटाया भी था लेकिन अच्छे शॉट्स मारे थे फिर बाद में। इफ्तिकार अहमद का 14 नाबाद चेस करते हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड एक ही मैच खेला है, आसिफ अली ने 4 मैच के अंदर 91 करा हुआ है और इन्होंने मेरे को अभी भी याद है लास्ट ईयर यूएई के अंदर एक बहुत अच्छी पारी खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैच जिताया था, बैट फर्स्ट 24-2 नॉट आउट, चेस ओवर 38-27 नाबाद है। शदाब खान का 10 मैच में 9 विकेट 46 रन है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में कुछ नहीं करा 0 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 7 मैच में 9 विकेट है, 5 बार विकेट लेस गए, प्लेयर अच्छा है, फॉर्म थोड़ा सा इनका ऐसे है, हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे हैं, आपको पता ही होगा इंजर्ड है तो ये बैट करने भी नहीं आ रहे हैं, यही कारण है, और गेंदबाजी के अंदर इनका रिदम नहीं दिख रहा, रनअप लेते हैं तो। मोहम्मद नवाज का 7 रन बैट फर्स्ट है, हेड टू हेड के अंदर शाहीन अफरीदी 6 मैच में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच के अंदर 6 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच में 2 विकेट है, 2 बार विकेट लेस गए। हैरी श्रॉफ का बहुत अच्छा स्पेल रहा है हमेशा जब भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, 4 मैच में 9 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 6 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 3 विकेट, 1 बार विकेट लेस गए। नसीम शाह ने हेड टू हेड नहीं खेला, असनीन का 0 विकेट बॉल फर्स्ट है, यहाँ पे दानी ने हेड टू हेड नहीं खेला, इवन मोहम्मद वसीम जूनियर ने हेड टू हेड नहीं खेला, हैदर अली का 3 मैच में 22 रन है। स्टार्टिंग और अगर शाहीन अफरीदी फिट होते हैं तो डालेंगे, वरना लास्ट मैच के अंदर धानी ने स्टार्टिंग और डाला था, मोहम्मद वसीम ने डाला था और वहाँ पे डाला था हैरी श्रॉफ ने, तो इस मैच में देखते हैं क्या होता है, आपको बता ही रहता है डेथर में और स्टार्टिंग में कौन आता है। बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स की, जब इस मैदान के ऊपर मैच हुआ है मैदान कौन सा है, सारे मैचेस इसी वेन्यू के ऊपर खेले जाएंगे ट्राई सीरीज के, हेगली ओवल क्राइस्टचर्च के ऊपर, तो यहाँ पे मार्टिन गप्तिल ने 4 मैच के अंदर 8 रन करा, बैट फर्स्ट 2-0 चेस के ऊपर 6, थोड़े से यहाँ पे अटके हैं लेकिन प्लेयर अच्छा है, देखते हैं किस तरह से कमबैक करता है। डेवन कॉनवे 5 मैच 116 रन है, बैट फर्स्ट 99 नाबाद 11-0 चेस के ऊपर 6-0, तो बस एक ही बार यहाँ पे बहुत बड़ी पारी खेली है वरना हर बार यहाँ पे अटके हैं ये। केन मामा का 2 मैच में 20 रन है, 12 बैट फर्स्ट 8 बैट फर्स्ट है। ग्लेन फ्लिप्स का 6 मैच के अंदर 143 रन है, बैट फर्स्ट 30 चेस के ऊपर 59-54-0। निशम भाई 5 मैच के अंदर 6 विकेट 102 रन है, बैट फर्स्ट 49-26 चेस के ऊपर 13-8-6। माइकल ब्रेसल भाई ये बंदा खरा सोना है, 9 मैच के अंदर 308 रन से स्वैनी के ऊपर 3 विकेट है भाई, इतने तो किसी के भी रन्स नहीं है यहाँ पे। बैट फर्स्ट 32-31 नाबाद 27-19-8 चेस के ऊपर, देखो भाई चेस पे ध्यान दो आप एक मिनट, 80 नॉट आउट 41 नॉट आउट 38-32 नाबाद, प्लेयर भाई स्पेशल है, पर ये भी बात है कि इनका रोल न्यूजीलैंड टीम के अंदर डाउन द ऑर्डर है, आमतौर पर जब डोमेस्टिक में खेलते हैं ना विलिंगटन के लिए, विलिंगटन फायरबर्ड्स करके एक टीम होती है सुपर स्मैश कप की डोमेस्टिक जिसमें खेलते हैं, ये नंबर 3 या नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे तो नंबर 5 या नंबर 6 पे भेजती है टीम इसको, तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान देनी है। लुकी फर्गसन का 3 मैच यहाँ पे खेला है, 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए निकला था और 2 बार विकेट लग गए। इस स्टोरी का 5 के अंदर 4 विकेट है और यहाँ पर टीम साउदी का 3 मैच के अंदर 2 विकेट है, 2 बार विकेट लग गए। एडम लेन का 0 विकेट बॉल फर्स्ट है, ट्रेंट बोल्ट का यहाँ पे 2 मैचेस में 2 विकेट है, 2 विकेट बॉल फर्स्ट 2 विकेट बॉल सेकंड है। एडम लेन का यहाँ पे 0 विकेट बॉल फर्स्ट है जैसा आपसे कहा मैंने, और मैं ये चेक करने गया था छोटी 4 बार विकेटलेस गए हैं नहीं गए यार 5 मैच खेल के, जी हाँ वो 4 बार विकेटलेस गए हैं, मैं भी देख के थोड़ा शौक हो गया था, इन्होंने सीधा एक ही मैच के अंदर 4 खोला था, उसके बाद यहाँ पे जितने मैच खेले विकेटलेस गए आज तक। ब्लाट टिकनर का 4 मैच में 10 विकेट है, बहुत बेहतरीन स्पेल डाला इन्होंने यहाँ पे। डरेल मिचल का होम ग्राउंड था लेकिन यार वो बाहर ही हो गए। मार्क चेपन का 5 मैच के अंदर 136 रन है, फिन एलन का 2 मैच में 84 रन है। पाकिस्तान ने यहाँ पे एक ही मैच खेला था, आज ही खेला था, बबर अजम ने 22 रन करा था बैट फर्स्ट, रिजवान ने 78, नवाद करा था बैट फर्स्ट, शान मसूद का 31 था, इफ्तिकार अहमद का 13 था, आसिफ अली का 4 था, शदाब खान का 1 विकेट बॉल सेकंड था, नवाज का 2 विकेट बॉल सेकंड प्लस 8 नाबाद, हैरी श्रॉफ का 1 विकेट बॉल सेकंड था, और यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 विकेट निकाला था, हैदर अली का 6 रन था और शनवाज धानी का 1 विकेट बॉल सेकंड था। मैचअप्स की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन किसके सामने कितना स्ट्रगल करता है, कौन किसको कितना ट्रबल करता है, तो मार्टिन गप्तिल का मैचअप बनता है हैरी श्रॉफ के सामने, नई गेंद से लेके आते हैं वो चौथा है पांचवा डालने आते हैं, ठीक है कभी वो भी तीसरा भी डाल देते हैं जब मोहम्मद वसीम या तो फिर धानी का एक ओवर खराब चले जाता है। तो हैरी श्रॉफ ने 13 गेंद में 25 रन देके 2 बार आउट किया हुआ है, दोनों बार पहली पारी में आउट किया गप्तिल साहब को, शदाब खान ने 94 बॉल में 78 रन देके 4 बार आउट किया, 3 बार दूसरी पारी में। डेवन कॉनवे वर्सेस हैरी श्रॉफ 17 गेंद 27 रन 3 बार आउट किया 2 बार पहली पारी में, अच्छा मैचअप है ये। केन विलियमसन वर्सेस शदाब खान 124 गेंद 98 रन 4 बार आउट किया 3 बार पहली पारी में, इवन मैंने केन विलियमसन को स्ट्रगल करते हुए देखा हैरी श्रॉफ के सामने जब पहली बार 2020 में खेला था, मेरे को अभी भी वो बॉल याद है, जाफ ऑफ द बॉल थी वो, चौथे स्टंप से बॉल आई थी सीधा केन विलियमसन के आंख के सामने से गई थी, बाउंसर टाइप बॉल थी, इतना बाउंस लेके गई थी बॉल, वो गुड लेंथ पर डाली थी, बाउंसर टाइप नहीं थी,
टोटल लेंथ की बॉल थी, उछली थी, पूरा आग के सामने से निकली थी केन विलियमसन के। शादाब खान परेशान कर सकते हैं केन को, देख सकते हो आप यहाँ पे। ग्लेन फिलिप्स वर्सेस हैरी श्रॉफ, 12 गेंद 12 रन, 2 बार आउट किया। शाहीन अफरीदी ने 6 गेंद में 5 रन देके 2 बार आउट कर रखा है, दोनों बार पहली बार में। देखते हैं कब यहाँ पे रिटर्न करते हैं। मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी के साथ पाकिस्तान रिस्क नहीं ले रही है। नीशम वर्सेज शादाब खान, 35 गेंद 34 रन, 1 बार आउट किया है। मोहम्मद हसनैन इनके टीममेट हैं, ये पहले CPL के अंदर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए साथ में खेल चुके हैं। ब्रेसवेल का मैचअप नहीं है। बाबर अजम वर्सेस टिम साउदी, बड़ी मछली फंसाते हैं। टिम साउदी एक्सपीरियंस कैंपेनर है, 81 बॉल 47 रन, 4 बार आउट किया, 3 बार दूसरी बारी में। फर्गुसन ने 76 बॉल में 80 रन देकर 2 बार आउट किया है। मिलन भी फंसाते हैं, याद करो आप। बाबर अजम ने मार्क वुड के सामने अभी हाल ही के अंदर 7 मैच की T20 सीरीज हुई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, कराची और लाहौर के अंदर, वहाँ पे मार्क वुड ने ना बाबर अजम को परेशान किया था। बाबर अजम गति से बीट होता है, जो 150 के ऊपर डालता है भाई साहब। ये 150+ वाला बॉलर है फर्गुसन। एडम मिलन 150 के आसपास रहता है, फर्गुसन 150 के ऊपर चले जाते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। रिजवान वर्सेस टिम साउदी, ये भी थोड़ा सा है, इस स्टूडियो के सामने भी फंसे हैं पहले। फगर जमान वर्सेस सैटनर, ट्रेंट बोल्ट 3 बार आउट हैं और किसी के सामने मैचअप नहीं है। आसिफ अली का भी कोई ज़्यादा बड़ा मैचअप नहीं है। स्पिन के सामने फंसते हैं वो तो पूरा यार ट्रेडिशनली बाहर ही हो चुका है कि अपना स्पिन के सामने फंसता आसिफ अली करके, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन कैप्टन बाबर अजम, मोहम्मद रिजवान, बड़ी लीग में बनाओ रिजवान, बाबर, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन अलग जाना, टिम साउदी, हैरी श्रॉफ, शादाब खान का प्रोटेक्ट कर सकते हो। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, तो कैप्टन यहाँ पे कौन है? कैप्टन भाई साहब यहाँ पर है रिजवान, वाइस कैप्टन डेवन कॉनवे, इवन हैरी श्रॉफ बहुत अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन से, कैप्टनसी के नवाज, शादाब खान, विलियमसन, यहाँ पूरी टीम देख सकते हो। लुगी फर्गसन है यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ पे ले सकते हो। बताऊँ किसको? शान मसूद को, बहुत तगड़ा प्लेयर यार वो, बहुत अच्छे रन बना के आ रहा है, फॉर्म उसके साथ, रन उसके पीछे हैं तो फॉर्म अच्छा होगा। बड़ी लीग में करना है बिल्कुल घबराना नहीं है। रिजवान साहब टॉप मोस्ट पिक है, बहुत अच्छा रन बनाते हैं या सही टेक्निक से खेलते हैं। डेवन कॉनवे भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, बस इनको थोड़ा सा थ्रेट रहेगा हैरी श्रॉफ का, उसके बाद ये रन बनाएंगे। शादाब खान से भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। गप्तिल इंपॉर्टेंट तब तक रहेंगे जब तक हैरी श्रॉफ को अच्छे से फेस करते हैं वहाँ पर, और फिर बाद में शादाब खान आ जाते हैं। तो मार्टिन गप्तिल थोड़े से ऐसे प्लेयर हो चुके हैं आजकल कि वो थोड़े बहुत खेलते हैं, 4-5 बॉल ऐसे चौके मारेंगे, ऐसा लगेगा 100 मारेगा भाई ये, अगली 2-3 बॉल पर आउट होकर चले जाते हैं। केन विलियमसन बहुत ही क्लासिक प्लेयर है, बाबर अजम भी बहुत क्लासिकल बैटर है, शान मसूद ग्रैंड लीग पिक बनते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी ग्रैंड लीग पिक बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, बैट फर्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं यहाँ पे नवाज, अच्छे स्पिनर है, सामने देखना कि कितने राइटी लेफ्टी हैं। पिछले मैच कर रहे उन्होंने क्यों गेंदबाजी करी थी पता आपको? नवाज ने 4 ओवर क्यों डाले थे? क्योंकि सामने सारे राइटी थे, आस्ती कौन थे, अफीफ हुसैन को छोड़ के सब राइटी थे। इस टीम में कौन कौन? डेवन कॉनवे लेफ्टी हैं और कोई लेफ्टी नहीं नीचे तक, नीचे आते हैं बहुत नीचे आते हैं वो। फिर शादाब खान है, ब्रेसल भी नीचे आते हैं थोड़ा, शादाब खान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रैंड लीग्स के अंदर। इवन निशम आपका कॉल रहेगा, ब्रेसल भी अच्छे भी का, लेकिन बात हुई इनका रोल अनसर्टन रहता है थोड़ा सा, स्मॉल लीग में रिस्क हो जाता है। ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है, हैरी श्रॉफ इंपॉर्टेंट है, टिम साउदी इंपॉर्टेंट, ट्रेंट बोल्ट फॉर्म वाइज इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स वाइज इनके बिलो पार स्टैट्स हैं। हेड टू हेड के अंदर वेन्यू स्टैट्स भी अच्छे, इनके 4 विकेट है 2 मैच में। शाहीन अफरीदी आपका कॉल रहेगा, खेलते हैं तो ले लेना। बस मोहम्मद वसीम का लास्ट मैच में अच्छा स्पेल था, फर्गुसन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोडी आप ट्राई कर सकते हो, पिछले मैच में थोड़ी बहुत बॉल घूमी थी यहाँ पे। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको कमेंट सेक्शन प्लस में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। चैनल पे दोस्तों न्यू तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी कर सकते हो, फोर्स नहीं करूँगा मैं अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो। और ये सारे स्टैट्स अगर आपको चाहिए ना तब क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना, डाउनलोड करना अपना ऐप है स्टैट्स गुरु जी नाम से, तो आप वहाँ पर जाके ना ये स्टैट्स को देख सकते हो। मैं स्टैट्स को लेट ही अपडेट करता हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जय हिंद, देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, आप होता मैं हूँ लवी गर्ल्स, से प्यार बनाए रखना। ये मैच 11:40 पे है, तो देखते हैं अपन मिलते हैं फिर बातचीत करते हैं।